टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपका प्यार और भरोसा ऐसे ही टीवी 20 न्यूज पर बना रहे ताकि आपको हर पल के अपडेट से हम रूबरू कराते रहे। मैं हूं अशोक वर्मा, आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। खबर आजमगढ़ के अतरौड़िया क्षेत्र थाना क्षेत्र से है, जहां बूढ़नपुर कप्तानगंज कुसमारा गांव का निवासी डब्लू पुत्र जगधारी बिजली विभाग पावर गोपालगंज से संविदा पर नौकरी कर रहा था कि कहजी ग्राम भोकोई में बिजली खराब होने की सूचना पर बनाने गया। जो ही खंभे पर बिजली बना रहा था कि अचानक बिजली आ पड़ी और नीचे गिर गया और मौके पर ही डब्लू संविदा कर्मचारी की मौत हो गई। आपको बता दें कि डब्लू शादीशुदा था, इसके पास एक लड़की जिसकी उम्र 2 साल और एक लड़का था, जिसको लेकर परिजनों द्वारा अहरौला थाने के सामने सड़क पर शव को रखकर जाम लगा दिया गया। सूचना पर SDM बूढ़नपुर CO सहित सभी पुलिस इकट्ठा हो गई। लोगों की मांग थी कि बिजली विभाग का जब तक कोई अधिकारी नहीं आ जाता तब तक हम लोग नहीं हटेंगे। जब बिजली विभाग से SDM ने 5 लाख का चेक दिलवाया, वही ओरियंट सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड चैनल मैनेजर आलोक दुबे, विद्युत संविदा मजदूर संगठन, उत्तर प्रदेश जिला अध्यक्ष आजमगढ़ आशीष कुमार पांडे जाम को हटाने कार्य किया, वही परिजनों का रोकर बुरा हाल है। तो इस क्षेत्र के लोगों में बिजली विभाग के इस रवैये से लोगों में काफी गुस्सा है। नाम हमारा सर बबलू है। कौन सा गांव है? गांव कुसमारा। क्या दुर्घटना हुई आपकी? दुर्घटना हुई सब भकुई में। कौन है आपकी? हमारा भाई साहब छोटा। कैसे मरे? जी कैसे मरे हैं? लाइन से सर लाइन में थे, लाइट जोड़ने के लिए कोई बुलाए सर, संविदा से अशोक सिंह बुलाए लाइन बुलाने के लिए सब। अब कैसे वहाँ क्या हुआ हम लोगों को पता नहीं, अभी पता लगा थोड़ी देर पहले। यहाँ क्या करने के लिए आए? अब वहाँ से अस्पताल में सर लाए थे, अस्पताल से फिर अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ हम तो अभी सर आए। कैसे हुए क्या बताएं? ये जो प्रथम घटिया दुर्घटना घटित हुई है, इलेक्ट्रिक करंट के वजह से ये मृत्यु का कारण जाना जा रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो भी निष्कर्ष आएंगे उसके रिजल्ट, उसके आधार पे आगे की कार्यवाही की जाएगी। वर्तमान समय में डल्लू राम की मृत्यु हुई है, उनके पत्नी यशोदा को जो है विद्युत विभाग के समन्वय करके ₹5 लाख का चेक आज उनको आर्थिक सहायता के रूप में दिया गया है। साथ ही उनके बच्चों के परवरिश के लिए भी उनसे बात की गई है, आगे उनके बच्चों की परवरिश के लिए जो भी नियमानुसार सहायता होगी उनको प्रदान कराई जाएगी।